ऑल राइट गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वेबोट टॉक्स में। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमारा फ्लो चार्ट के ऊपर होने वाला है। तो यार, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये जो हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा सूडो कोड के ऊपर, ये दोनों जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा लोग पढ़ के नहीं जाते हैं, बस एग्जाम के टाइम थोड़ा देख कर चले गए, उतना सफिशियंट भी होता है एग्जाम देने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसको क्यों बता रहा हूँ यार, देखो जो हमारा आज का वीडियो है ये टोटली मतलब आपका एक फॉर्मल वे में ऐसा नहीं रहेगा, लाइक बुकिश लैंग्वेज टाइप का मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैं रियल लाइफ में हम लोग इसको कहाँ यूज़ करेंगे, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में इसको कैसे यूज़ करते हैं, थोड़ा उस वे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आपने हैकाथॉन के बारे में सुना होगा अपने फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ ये कैसे यूज़ होगा, ये सभी चीज़ के बारे में ऐसे हम लोग रियल लाइफ वे में हम लोग इसको समझेंगे। सो आपको समझ में आएगा और आप इसको आराम से बना लोगे, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा डेफिनेशन वगैरह सब चीज़ देख लेंगे, इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में, अभी लास्ट में देखना, स्किप मत करना, इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू भी एक दो एग्जांपल लूंगा जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो देखकर हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग आराम से किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी प्रॉब्लम का फ्लोचार्ट बनाना सीख जाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आपको कुछ होमवर्क दूंगा, उसको बना लोगे तो आपको मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, और यार बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीज है, ये देखना यार, ठीक है। छोड़ना नहीं इस वीडियो को और इसको स्किप बिल्कुल मत करना। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार, थोड़ा मैं आपको जैसे बोला, थोड़ा हम लोग का एक रिचुअल है कि हम लोग थोड़ा डेफिनेशन वगैरह समझ ले ताकि आप लोग एग्जाम में लिख लो कुछ चीज, ठीक है। इसको नोट में भी इंक्लूड कर लेना ताकि आपको हेल्पफुल होगा आगे किसी को बताने के लिए भी। यार देखो, तो फ्लोचार्ट क्या होता है? अ फ्लोचार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम वर्कफ्लो और प्रोसेस। एल्गोरिदम का मतलब समझ लो एक कोड है, उसको रिप्रेजेंट करना कर रहा है कि ये कैसे कैसे ये वर्क होगा, कहां कहां इसका वर्किंग है, ठीक है। ऐसा थोड़ा आप समझ लो। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल लेता हूं, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। देखो, फ्लोचार्ट क्या काम करता है? आप जैसे कि मान लो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, लाइक आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। आपको एक ऐप बनाना है, या फिर समझ लो यार एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट लेते हैं, जैसे कि आपको कुछ डिलीवरी, फूड डिलीवरी वाला एक ऐप बनाना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट उसको काम करना चालू कर दोगे क्या? आप खुद ही सोचो, काम करना चालू कर दोगे, बैठे ऐप बनाना चालू कर रहे? ऐसे नहीं होता है काम। सबसे पहले क्या होता है, कंपनीज में भी क्या होता है, एक फ्लो चार्ट बनता है, ठीक है, कि हमारा जो यूज़र है वो ऐप में सबसे पहले लॉग इन करेगा तो उसको क्या क्या चीज़ें दिखेगी ऐप के अंदर। मान लो उसको ऊपर दिख रहा है ऐड टू कार्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, उसमें वो क्लिक किया तो उसको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर शो होगी, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन है उसको क्लिक करेगा तो क्या क्या चीज़ें दिखेगी, ये सभी चीज़ वो पूरा एक फ्लो बताता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा जो हम जो बनाने वाले वो कैसे वर्किंग क्या है उसका, कैसे वो वर्क करेगा। तो वही चीज़ है, वर्क फ्लो एक फ्लो बताता है कि उसका कैसे कैसे उसको यूज़ करना है, सभी चीज़ पूरा एक फ्लो चार्ट का मतलब क्या है, एक फ्लो में आपको पूरा एक चार्ट बना कर देना है कि कैसे कैसे उसका वर्किंग है। एग्जाम्पल लेते हैं, हैकाथॉन का आपने पार्टिसिपेट किया होगा या कर रहे होगे, अभी SIH भी आने वाला, राइट, SIH भी हो रहा है, मतलब उसका चल ही रहा है प्रोसेस। तो यार देखो, उसमें भी आपको एक पेज में दिया होगा कि फ्लो चार्ट बनाओ, जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड आप एक फ्लो चार्ट बनाओ कि कैसे कैसे आप उसको सॉल्यूशन दे रहे हो, आप क्या क्या कहाँ पर क्या कर रहे हो, ये सभी चीज़। तो यही होता है यार फ्लो चार्ट। आप कुछ भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको सबसे पहले उसका फ्लो चार्ट बनाना होता है ताकि आपको खुद एज अ डेवलपर आपको खुद समझ में आएगा कि यस हमको ये चीज़ें चाहिए, ये ऑप्शन चाहिए यहाँ, तो आपको कोडिंग करने में ईजी हो जाएगा। पहले से पता रहेगा कि यार इस पूरा फ्लो पता रहेगा तो कोडिंग करने में ईजी हो जाएगा, राइट। तो यही सब चीज़ को बोलते हैं हम लोग फ्लो चार्ट। तो हो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अ फ्लो चार्ट शोज स्टेप्स एज बॉक्सेस ऑफ वेरियस काइंड्स एंड देयर ऑर्डर ऑफ कनेक्टिंग द बॉक्सेस विथ एरोस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान से पढ़ो। अ फ्लो चार्ट शोज स्टेप्स एज बॉक्सेस ऑफ वेरियस काइंड। देखो फ्लो चार्ट क्या करता है, बस बॉक्सेस, बहुत सारे बॉक्सेस, आप भी बताऊंगा इसके बाद क्या डिफरेंट टाइप्स जो बॉक्सेस होते हैं वो बताऊंगा, कुछ एक दो क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे उसका, और आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा ताकि आपको पूरा 100% क्लियर हो जाएगा उसको करने के बाद, ठीक है। तो पूरा वीडियो को देखना। तो देखो क्या होता है, बहुत सारे बॉक्सेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पूरा फ्लो बनाते हैं। जैसे कि मेरे को सबसे पहले यूजर साइन इन किया तो वहां पर एक बॉक्स बनाऊंगा, साइन इन लिख दूंगा उसमें, फिर उसको कनेक्ट करूंगा, साइन इन करेगा तो क्या दिखेगा उसको, साइन इन करने पर उसको होम पेज दिखेगा, तो एक बॉक्स में मैं होम पेज लिख दूंगा, ठीक है। जैसे कि एक यूजर है, मान लो एक यूजर है यहाँ पर, वो साइन इन किया तो उसको क्या दिखना चाहिए, उसको एक होम पेज दिखेगा, तो यहाँ पर लिख दूंगा होम पेज। अब वो होम पेज करेगा तो उसको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, राइट, बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पर अबाउट अस का ऑप्शन दिखेगा, या ऑर्डर का ऑप्शन दिखेगा, या फिर एड टू का, यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, राइट। तो ये होता है फ्लो चार्ट। देखो कैसे फ्लो में ये हो गया, अब आप बनाओगे ऐप, ऑर्डर करने के बाद आपको क्या क्या चाहिए, ऑर्डर करेगा तो वहाँ पर उसको कुछ कुछ डिलीवरी का ऑप्शन देना चाहिए, ये सब चीज़, ऐसा होता है हमारा फ्लो चार्ट, ठीक है। तो क्या बोला है, फ्लो चार्ट होता है स्टेप्स एज बॉक्सेस ऑफ वेरियस काइंड, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्स होते हैं, और आप कोई भी बॉक्स को कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, कुछ बॉक्स के जो भी बॉक्सेस होते हैं उनके पर्टिकुलर काम होते हैं कि ये बॉक्स का यूज़ यहाँ पास होना है, ऐसे ऐसा होता है, ठीक है, अभी आपको बताऊंगा मैं। तो यही चीज़ मैंने लिखा, और कनेक्टिंग के लिए आपको एरो से कनेक्ट करते हो उसका वर्क, उसको फ्लो बताते हो कि ये यहाँ कनेक्ट हो गया, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, ये सभी चीज़ें होती है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, इट इज़ यूज्ड इन डिजाइनिंग एंड एनालाइजिंग। यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो हमारा फ्लो चार्ट होता है वो क्यों यूज होता है, सबसे पहले डिजाइनिंग,
कि आपका ऐप कैसा दिखना चाहिए, तो कहाँ पास क्लिक करोगे तो क्या आएगा, ये सभी चीज़ क्या आ जाए डिजाइनिंग के अंदर ही आ जाती है, ठीक है, यूआई यूएक्स के अंदर आ जाता है ये सभी चीज़ें। तो यहाँ डिजाइनिंग एंड एनालाइजिंग एज अ कोडर, एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर आपको एनालाइज करने में मदद करेगा कि यस यहाँ पास करने पे ये होना चाहिए, ये सभी आपको पूरा एनालाइज कर देगा, एनालाइज करने में मदद करेगा कि हमारा जो ऐप है, हमारा जो वेब है, जो हमारा जो एल्गोरिदम है वो कैसे वर्क करेगा, उसका वर्क फ्लो कैसे है, क्या क्लिक करने पे क्या आना चाहिए, राइट, ये सभी चीज़ें। तो देखो एल्गोरिदम मैं बार बार बात करूँ, एल्गोरिदम क्या होता है, देखो कुछ भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो तो उसका एक एल्गोरिदम होता है, राइट। जैसे कि आप मान लो मैथ्स का कोई आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन है, उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसको सॉल्व करने के, तो वही है डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स है, राइट। वैसे कोडिंग में हम लोग एल्गोरिदम्स बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमारा फ्लोचार्ट भी यूज़ होता है। जब आप DSA पढ़ोगे तो आपको एल्गोरिदम ये सब चीज़ समझ में आएगा। तो यही था, ठीक है। अब देखो थोड़ा मैं आपको ये थोड़ा डायग्रामेटिव थोड़ा बता देता हूँ, इसके बाद हम लोग थोड़ा दो तीन एग्जांपल लेंगे, उससे समझेंगे कि फ्लोचार्ट को कैसा बनाया जाता है। तो देखो सबसे पहले देखो, जब आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना, जैसे कि मान लो आपको दो नंबर को ऐड करने का प्रॉब्लम आया, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनाओगे उससे कि यार सबसे पहले मैं दो नंबर को इनपुट में लूंगा, उसके बाद मैं उन दोनों को ऐड करूंगा, प्लस ऑपरेटर जो भी हमारा होता है उसको यूज करके, उसके बाद उसका मैं रिजल्ट लूंगा, फिर प्रोसेस को एंड कर दूंगा, ऐसा आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे। तो देखो मैंने लिखा फ्लो चार्ट, या फिर स्यूडो कोड भी बना सकते हो, स्यूडो कोड थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है फ्लो चार्ट का बोल सकते हो। सो रफ सॉल्यूशन के अंदर ही हमारा ये फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड सभी चीजें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो आपने फ्लो चार्ट बना दिया, सब चीज कर दिया, अब आपको दो नंबर को ऐड करने का आपने पूरा यहां पर कर दिया, अब आपको कोडिंग करना है, तो आप समझोगे यार हां एनालाइज करोगे, हां ऐसे ऐसा करूंगा, इनपुट लूंगा, इसको फिर ऐड कर दूंगा, एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, फिर उसको मैं रिजल्ट में दे दूंगा, ठीक है। तो सेम चीज आपने एक रफ सॉल्यूशन बना लिया, एनालाइज करे उसको, ठीक है, फिर आप उन्हें उसको एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि C++ जावा पे आपने उसका कोडिंग किया, जैसे कि आप सी लैंग्वेज में आपने पूरा उसका कोडिंग किया, यस ये पूरा हमारा दो नंबर को ऐड करने का मैंने कोड बना लिया, किसके मदद से, फ्लोचार्ट की हेल्प से थोड़ा थोड़ा बना लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पास आप मशीन लेवल पे, यहाँ पास क्या होगा, जब आप इसको रन करोगे तो क्या होगा, ये जो हमारा कोड है हाई लेवल लैंग्वेज में था, अब ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा मशीन लेवल लैंग्वेज पे, यही है एक पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, आपको पता होगा यहाँ पास क्या हो रहा है, कंपाइलेशन हो रहा है, ये हमारा जो है इसको बोलते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। सबसे पहले एक रफ सॉल्यूशन हमने पेन पेपर की हेल्प से पूरा फ्लोचार्ट बना लिया, उसके बाद हमने उसको कोड में इंप्लीमेंट किया, C++, सी लैंग्वेज, जावा, पाइथन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आर देयर इन मार्केट, सो आपने किसी भी एक का यूज किया, आपने यहाँ पास हाई लेवल लैंग्वेज पे उसको कोडिंग कर लिया। जब आप उसको यहाँ पर रन करोगे तो क्या होगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज होगा, और जैसे मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, कंपाइलेशन होता है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज होता है, फिर क्या होगा, जो हमारा मशीन है उसको समझेगा और यहाँ पास आपको आउटपुट देगा। तो यही पूरा प्रोसेस है हमारा फ्लोचार्ट बनाने के बाद क्या क्या होता है। तो अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझाता हूँ कि कैसे हम लोग फ्लोचार्ट बनाते हैं, ठीक है, और होमवर्क दूंगा उसको जरूर करना। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर डायग्राम होते हैं हमारे फ्लोचार्ट के अंदर, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर पूरा बना दिया, उसका डेफिनेशन भी लिख दिया है, राइट, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो फ्लोचार्ट के अंदर डायग्राम आता है, ये मेजर चार होते हैं, यही आपके मेजरली यूज होंगे, और भी होते हैं छोटे मोटे, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, सफिशियंट है इतना, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है टर्मिनेटर, ये देखो देख सकते हो हॉरिजॉन्टल थोड़ा ओवल टाइप में होता है ये, आप इसके अंदर स्टार्ट और इसके अंदर एंड लिख दो। ये कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, तो ये अभी आपको बताऊंगा प्रोग्राम बनाकर, अभी आपको बस ये देखने की क्या क्या होते हैं, डायग्राम कैसे कैसे दिखते हैं, ठीक है। देखो ये क्या होता है, इंडिकेट्स करता है बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोग्राम जब चालू होता है तो इससे आपको चालू करना पड़ेगा, एंड होता है तो इससे आपको खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनपुट आउटपुट, कुछ प्रोग्राम में आप दो नंबर को ऐड करो, उसको आप इनपुट लेना चाहते हो दो नंबर, तो आप कैसे लोगे, इस डायग्राम की हेल्प से आप लोगे, ठीक है। ये देख सकते हो, ये थोड़ा पैरेललोग्राम बोलते हैं, राइट, इसको पैरेललोग्राम टाइप दिखता है, राइट, पैरेललोग्राम ही तो है ये, पैरेलल साइड से इसके दो साइड से, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम ही हो गया। तो डिनोट्स इनपुट या आउटपुट इन्फॉर्मेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट ब्लॉक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर ब्लॉक, याद रखना, किसी को याद नहीं रहता ये सभी चीज़ें, चाहिए और यार आपको याद रहेगा तो यार थोड़ा अलग से आप पहचान में आओगे, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट हमारा जो होता है प्रोसेस ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस ब्लॉक कुछ नहीं, ये एक रेक्टेंगल होता है, डिनोट्स एनी प्रोसेस और एक्शन, ठीक है, डिनोट्स एनी प्रोसेस और एक्शन, मतलब आपको दो नंबर को ऐड करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, उसके बाद इनपुट आउटपुट जो हमारा ब्लॉक है उसमें आप इनपुट लोगे दो नंबर, उसके बाद आपको ऐड करना है दो नंबर को, तो इसके अंदर लिखोगे ए प्लस बी, तो वो जाकर वहाँ पर प्रोसेस में होगा, कुछ भी प्रोसेस करना है आपको तो यहाँ पास ही आपको लिखना पड़ेगा, जिसको प्रोसेस ब्लॉक बोलते हैं। लास्ट हमारे पास आता है डिसीजन ब्लॉक, देख सकते हो आप ये डायमंड बोलेंगे, राइट, ये डायमंड के शेप में, तो यहाँ पर ये क्या करता है, डिनोट्स
डिसीजन पॉइंट बिटवीन टू और मोर पाथ। ये यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये क्या है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको इफ एल्स वगैरह नहीं पढ़ाया, तो ये वहीं पर कंडीशन वगैरह आ जाता है। तो लेकिन समझो आपको, एक ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आपको चेक करना है कि एक जो नंबर आपने इनपुट लिया, ठीक है, आपने यहाँ पास से इनपुट लिया, वो नंबर क्या इक्वल टू थ्री है, क्या वो नंबर इक्वल टू मान लो पाँच है, क्या वो नंबर इक्वल टू दस है। सिंपल से एक कंडीशन लेते हैं, क्या वो नंबर दस के बराबर है, आपको ये चेक करना है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पास, एक्स क्या इक्वल टू यहाँ पास आप लिख दोगे 10, क्या ये इक्वल टू 10 है, अगर होगा तो यहाँ पास से आप ऐसे एरो करके आगे का प्रोसेस करोगे। ये होता है, तो डिसीजन आपको जहाँ लेना है, आपको कुछ यहाँ पर चेकिंग करना है, तो यहाँ पास किस में करोगे आप, ये डिसीजन ब्लॉक में। तो ये चार टाइप के ब्लॉक्स होते हैं हमारे, जो कि आपके मेजरली यूज होंगे हमारे फ्लो चार्ट बनाने में। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो, इसको याद रख लो, टर्मिनेटर, इनपुट आउटपुट ब्लॉक, प्रोसेस ब्लॉक एंड डिसीजन ब्लॉक, राइट। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको समझने के लिए, ये चारों चीज़ें आपको इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ होमवर्क है, पहले इस पर बात कर लेते हैं, आपको ये चीज़ें बनानी है। सबसे पहले मेरा तरफ से होमवर्क जो है, ट्राइंगल वैलिड है या नहीं इसके ऊपर ये चेक करने का एक फ्लोचार्ट बनाओ, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इसका एक फ्लोचार्ट बनाओ, प्रिंट काउंट करना है आपको, काउंटिंग वन से लेकर एन तक, एन क्या, जैसे कि मान लो आपने एन इक्वल टेन लिया, तो एक से लेकर दस तक आपको प्रिंटिंग करने का फ्लोचार्ट बनाना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ यार, मैं अभी जाऊंगा फर्स्ट ईयर के लोग को, यार मैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले को भी दे दूंगा ना, ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जो पास आउट भी है फर्स्ट ईयर से, जो इन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ा भी है, उसको भी ये नहीं बनाया, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं फ्लो चार्ट, लोग बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कंडीशन ही नहीं बना पाएंगे कि कंडीशन कैसे लगाना, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल में प्रोग्राम दे दूंगा कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा चीज़ है ये, राइट। इसको लोग ऐसे इग्नोर करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फ्लो चार्ट। कुछ भी आप एक ऐप बनाती है कंपनी, तो सबसे पहले वो फ्लो चार्ट बनाती है कि मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए ऐप में, क्लाइंट को क्या क्या चीज़ें चाहिए ऐप में, उसके बाद ही वो बैठेगी, कोडिंग वाले को बैठेगी, यार तुम बना जाओगे। ठीक है, तो ये चीजें होती है, तो इसका आप ये तीन कर लोगे, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। हो सके तो टेलीग्राम पे, जो हमारा टेलीग्राम है, उसमें आप यहां पर भेजना मेरे को स्क्रीनशॉट लेगा। ठीक है, देखो हम लोग आते हैं यहाँ पास। सबसे पहले मेरे को इवन और ऑड का चेक करना है। सबसे पहले इवन और ऑड क्या होता है, कोई नंबर जैसे कि मान लो मैं लेता हूँ लाइक टू लिया, ठीक है, ये इवन है कि ऑड है, जैसे कि हमको पता है कि ये इवन है, क्यों इवन है, इसका रीजन बताओ। तो इसको अगर आप टू से डिवाइड करोगे तो इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, हमारे टू वन जै टू, रिमाइंडर मेरे पास जीरो आया। सिमिलरली अगर यहाँ पास आप मान लो पाँच ले लेते हो, तो पाँच को डिवाइड करो, टू टू जब फोर, राइट, रिमाइंडर क्या है इसके पास, वन आया। तो ये अगर वन आ रहा है तो ये हमारा क्या है, ऑड नंबर। अगर वही चीज़ जीरो आ रहा है तो ये हमारा एक इवन नंबर है। सिंपल सा कंडीशन है एक नंबर को चेक करने का, वेदर इट इज़ इवन और ऑड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, तो यहाँ पास मैंने टर्मिनेटर ब्लॉक बनाया और स्टार्ट मार दिया। ठीक है, स्टार्ट किया, अब मेरे को यूजर से इनपुट लेना, दो अब एक नंबर को मेरे को चेक करना है इवन है या ऑड है, तो एक इनपुट लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कौन सा ब्लॉक बनाया, इनपुट आउटपुट ब्लॉक बनाया, और यहाँ पास मैं इनपुट ले लिया। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रीड एन, एन क्या एक नंबर जो आप इनपुट लेना चाहते हो। यहाँ पर मैंने इनपुट भी लिख दिया, कोई एक लिखना, रीड एन या फिर इनपुट एन, ऐसा कुछ लिख देना आपको जो भी कन्वीनियंट है लिखने में। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा ब्लॉक आएगा, यहाँ जैसे मैंने प्रोसेस ब्लॉक, यहाँ पास आप चेक करोगे कि जो हमारे, देखो रिमाइंडर क्या है, यहाँ पास मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने एक रिमाइंडर नाम से एक वेरिएबल ले लिया, इसमें मैं चेक कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे को दो को चेक करना है, दो टू को चेक करना है कि टू क्या मॉड लेंगे टू के साथ, वो इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहाँ पास मैंने किस में स्टोर कर दिया, यस ये आएगा रिमाइंडर लेने पे, ये जीरो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास रिमाइंडर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये देखो मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ, मतलब ये एक वेरिएबल मैं स्टोर कर रहा हूँ कि वो उसका मैं मॉड ले रहा हूँ टू के साथ, तो वो जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर यहाँ पास एन की जगह फाइव होता तो इसका मॉड लेने पर रिमाइंडर पर क्या स्टोर हो जाता है, वन स्टोर हो जाता है। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा, रिपीट करके देख लेना, अगर नहीं आ रहा होगा आ जाएगा आपको समझ वो भी। ठीक है, तो रिमाइंडर मैंने निकाल लिया, मैं अभी क्या ले रहा हूँ, n इक्वल टू मैं टू ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आए, तो टू का मॉड लेंगे टू के साथ, तो मेरा रिमाइंडर जीरो आएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पास बताया था। तो यहाँ पर रिमाइंड, अब मैं यहाँ पास देखो कौन से ब्लॉक में आया, डिसीजन ब्लॉक में, ये हमारा जो ये हमारा क्या डायमंड के शेप में, वो हमारा क्या डिसीजन ब्लॉक। तो यहाँ पर मैं चेक करूँ क्या रिमाइंडर इक्वल टू जीरो आ रहा है, यस हमने जो रिमाइंडर लिया है ऊपर से, रिमाइंडर n मॉड टू, n क्या था हमारा टू, टू का मॉड टू के साथ लेंगे तो रिमाइंडर है मेरा जीरो स्टोर हुआ था। तो मैंने नीचे जाकर चेक किया क्या रिमाइंडर इक्वल टू जीरो आ रहा है, अगर वन आएगा तो वो फॉल्स में जाकर प्रिंट आउट कर देगा, अगर वही चीज रिमाइंडर इक्वल टू जीरो आएगा तो यस वो ट्रू प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने चेक किया तो यहाँ पर रिमाइंडर इक्वल टू जीरो मिला मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो, ये देखो एरो के थ्रू मैंने लिखा भी था लास्ट में, इसके पहले जो आपको बताया था कि एरो के थ्रू पूरा फ्लो वर्क फ्लो बनता है। ठीक है, तो देखो एरो के थ्रू कि हमको इधर की तरफ जाना है ट्रू हुआ तो, और यहाँ जाकर प्रिंट में
हम इवन प्रिंट करेंगे। देखो कौन से ब्लॉक में प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, अगेन यहाँ पास इनपुट आउटपुट ब्लॉक में कुछ भी आपको प्रिंट करना है, कुछ भी इनपुट लेना, ये सभी चीज़ों के लिए क्या यूज़ होता है हमारा, ये हमारा इनपुट आउटपुट ब्लॉक ही यूज़ होता है। और कुछ भी चीज़ को प्रोसेस करना है, कैलकुलेशंस करना है, ये सब हमारा कहाँ यूज़ होता है, ये सब हमारा हमारा ये प्रोसेस ब्लॉक में होता है, जो कि रेक्टेंगल होता है और ये हमारा पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, ये इतना याद रख लेना बस। अब ये हमारा हो गया प्रिंट इवन कर दिए, अब हमको कोड को ख़त्म भी करना होगा, एंड मारेंगे वहीं छोड़ दोगे क्या, नहीं ना, तो अगेन आपको यहाँ पर टर्मिनेटल ब्लॉक का यूज़ करना हो यहाँ पर एंड मार देना, हमारा कोड कंप्लीट हो जाता है यहाँ पास से। सो होप आपको समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था यहाँ पास, मैं सोचा था पहले आपको बस दो नंबर को ऐड करने का बताऊंगा, लेकिन उसमें क्या था, ये हमारा जो डिसीजन ब्लॉक था ना ये यूज़ नहीं हो रहा था, इसलिए मैं क्या सोचा चलो इवन ऑड से मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आपको सभी पूरे ब्लॉक्स क्लियर हो जाएंगे। आप ये तीन क्वेश्चन कर लोगे ना तो मैं बता रहा हूँ आपको कोई भी फ्लोचार्ट बनाने बोल देगा कोई भी प्रोग्राम का, आप आराम से बना दो, बोलोगे ला भाई मैं बना कर देता हूँ, ऐसा कर दोगे, ठीक है। ये प्रोग्राम थोड़े टफ है, थोड़े थोड़े दिमाग लगते हैं इसमें, हो सकता है पहली बार मैं आप ना बना पाओ, यूट्यूब में जाना, सर्च मारना, देखना, थोड़ा उसको समझना, उसके बाद आप उसको बनाना, या फिर आप देख सकते हो गूगल वगैरह पे, ठीक है, लेकिन बनाओ इसको, छोड़ना बिल्कुल नहीं। तो ये था पूरा, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, हो सके तो मैं टेलीग्राम पे करूँगा, यार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मेरे भरोसे मत रहना अभी। तो यही था, तो होप आपको समझ में आएगा पूरा कंप्लीट कि कैसे फ्लोचार्ट वर्क करता है डेली लाइफ में, इंडस्ट्रियल यूज़ इसका कैसे होता है, कोई कंपनी कैसे यूज़ करती है इसको, हम लोग हैकाथॉन जब हम लोग करते हैं बना, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं कुछ ऐप, हम लोग कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पर फ्लोचार्ट को कैसे क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इवन वहाँ पर प्रेजेंटेशन में PPT में आपको देता भी है कि फ्लोचार्ट इसका बनाओ कि तुम कैसे कैसे इंप्लीमेंट करोगे इस ऐप को या फिर वेब को। तो यही था हमारा फ्लोचार्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ होता है इसका इन कंपनीज में। इसके बाद हमारा इसी का अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है सूडो कोड, जो कि अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो करना, सूडो कोड आप जनरली यूज़ करोगे, सूडो कोड कुछ भी जब DSA आप करोगे ना तो आप सूडो कोड करोगे, सूडो कोड इज़ नथिंग, आपको बस वापस रफ वर्क करना है, वही होता है सूडो कोड, ठीक है। अभी आपको पूरा नहीं बताऊंगा, आपको पूरा कंप्लीटली बताऊंगा, उसका भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो यही था पूरा आज के वीडियो में, होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो जरूर कमेंट में कुछ भी डाउट होता है जरूर बताओ, कुछ भी वीडियो चाहिए तो मैं वहाँ पास वीडियो जरूर लेकर आऊँगा, ठीक है। एंड जाने से पहले मैं आपको बता दूँ LinkedIn में मेरे से कनेक्ट हो जाओ, आपको कुछ भी डाउट होता है तो वहाँ पास मैसेज कर दिया करना, या फिर आपको मेरे कॉलेज लाइफ से रिलेटेड या फिर मेरे करियर से रिलेटेड कुछ जाननी है तो LinkedIn में मुझसे कनेक्ट हो जाओ। एंड टेलीग्राम पे भी यहाँ पर ज्वाइन हो जाने यार, वहाँ पर मैं रिसोर्सेज डालते रहता हूँ कोडिंग से रिलेटेड या फिर नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो यही बोलना था, अब वीडियो को मैं एंड करता हूँ। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। माइक्रोफोन चेक, मेक इट अ माइक्रोफोन चेक, गिव इट अ माइक्रोफोन, आई मेक द माइक्रोफोन डेड, डोंट स्टेप टू मी न्यूबी, आई कैन ट्रूली बी मूडी।